दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के ऐसे स्नेक्स के बारे में जिनके नाम के साथ किलबैक लगाया जाता है। इंडिया के कुछ लोग जो सांपों में इंटरेस्ट रखते हैं और स्नेक वीडियोस देखना या फिर खुद रेस्क्यू करना जिन्हें पसंद है, वो लोग भी सिर्फ चेकर्ड किलबैक, ग्रीन किलबैक और स्ट्रिप्ड किलबैक के बारे में जानते होंगे। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दूसरे किलबैक स्नेक्स को जानते हैं। अगर आप भी दूसरे किलबैक स्नेक्स को नहीं जानते तो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। ग्रीन किलबैक, चेकर्ड किलबैक, स्ट्रिप्ड किलबैक, इनके अलावा ऐसे और 5 स्नेक्स है, बारनेक किलबैक, बेडोम्स किलबैक, हिल किलबैक, ऑलिव किलबैक और पेंटेड किलबैक। ये सारे के सारे स्नेक्स नॉन वेनामस होते हैं। ऑलिव किलबैक स्नेक, ये अपना मैक्सिमम टाइम पानी में बिताते हैं। ये इंडिया श्रीलंका रेंज में ज्यादा पाए जाते हैं, जो चावल की खेती में और बहते पानी में शिकार करते हैं। फसलों पर यूज किए जाने वाले फर्टिलाइजर और अन्य कारणों की वजह से इनकी तादाद कम हो रही है। बेडोम्स किलबैक, इसे हिंदी में बेडोम्स नानिटी या नीलगिरी नानिटी कहा जाता है। ये जमीन और पानी दोनों जगह रह सकता है। बेडोम्स किलबैक भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। इसे रिचर्ड हेनरी बेडोम के नाम से बेडोम्स किलबैक नाम दिया गया है, जिन्होंने इनकी खोज में अपना विशेष कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। चलिए अब मिलते हैं हिल किलबैक स्नेक से। यह हिली फॉरेस्ट में इंडिया के सेंट्रल साउथर्न वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। ये स्नेक्स अपने आप में खूबसूरती का एक नमूना है। इसके बॉडी के पैटर्न्स बहुत खूबसूरत होते हैं। हमारा अगला किलबैक है बारनेक किलबैक। ये अब तक का बहुत कम बार देखा गया एक्वेटिक स्नेक है। ये पानी में रहता है और दिन में और रात में दोनों टाइम बाहर निकलते हैं। इनके आहार में फिशेज, फ्रॉग्स और टोड्स शामिल होते हैं। बारनेक किलबैक स्नेक चेकर्ड किलबैक स्नेक से बिल्कुल मिलता जुलता स्नेक है, लेकिन दोनों को पहचानने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। बारनेक किलबैक के गर्दन के पिछले वाले एरिया पर ब्लैक कलर के बैंड होते हैं और चेकर्ड किलबैक के गर्दन पर वी शेप पैटर्न बना होता है और बॉडी पर ब्लैक डॉट होते हैं। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये किलबैक ज्यादातर पानी में रहते हैं। इनका शिकार भी फिश, मेंढक होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।